पठानकोट के गांव सुकालगढ़ में आज फिर माहौल उस समय तनावपूर्ण होना शुरू हो गया जब गांव का सरपंच गांव में विकास कार्य करवा रहा था। बता दें कि कुछ दिन पहले भी हमारे चैनल की ओर से इस गांव में चल रहे विकास कार्यों में रुकावट डालने वाले कुछ लोगों के खिलाफ खबर दिखाई गई थी। तब भी गांव के सरपंच व अन्य लोगों ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है और वह लोग अब पंचायत की ओर से गाँव में किए जा रहे विकास कार्य में विघ्न डाल रहे हैं, पर यह लोग समझे नहीं। आज भी जब सरपंच ने गांव में विकास कार्य शुरू करवाया तो यह लोग वहां विघ्न डालने के लिए पहुंच गए, जिसको देखते हुए सरपंच ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने यहां पहुंच पंचायत के काम में विघ्न डालने वाले लोगों को काबू कर लिया व अपने साथ ले गई। सरपंच ने कहा कि हमारी प्रशासन से मांग है कि इन शरारती लोगों पर सख्त कार्यवाही करें ताकि यह लोग फिर पंचायती काम में रुकावट न डालें। जनसेतु के लिए पठानकोट से अशोक कुमार की रिपोर्ट। साढ़े पिंड की जी गंदे पानी की निकासी उन्हों कोई भी जगह नहीं हैगी। एक पिंड का छप्पड़ सीगा, वह भी लोगों ने नजायज़ कब्जा किया, पंचायत ने उदा केस जितया, वो फिर भी उदे विच जड़ा पानी आ वो नहीं खड़न देंदे है। ये हुण 22 फुट की सड़क हैगी आ जिदे विचों 10 फुट लुक पई हुंदी आ, 5-5, 6-6 फुट के बर्म हुंदे आ। असी सिर्फ 2 फुट जगह जी हैगी सड़क का बर्मा उदे विच पाइपां सीमेंट दियां पा के वड्डियां उधर असी पानी लै जाणा वा तां कि पिंड साडा साफ सुथरा रहे, क्योंकि करोना महामारी के चलदियां साडे पिंड दे काफ़ी मरीज़ करोना पॉजिटिव आए ने, कोई एक दो दी डैथ भी हो चुकी आ। पिंड नूं साफ सुथरा रखण लई पिंड दी निकासी दा होना बहुत जरूरी आ। सर जिन्हां लोकां ने छप्पड़ ते अज तक कब्जा कीता सीगा ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲਾ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੜਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਇੰਚੀ ਦਾ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਟ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।